चुनावी साल में कई कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों ने ओपीएस को लेकर 5 फरवरी को महाकुंभ करने का ऐलान किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार आने पर ओपीएस लागू करने की बात कही है। इससे प्रदेश की बीजेपी सरकार पर अब दबाव बढ़ा है, लेकिन केंद्र सरकार के पेंशन को लेकर ओपीएस लागू करने वाले राज्य सरकारें खफा है। दरअसल ओपीएस लागू करने वाली राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में जमा अंशदान को मांग रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए में जमा राशि वापस करने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार का तर्क है कि एनपीएस में जमा पैसा इसमें योगदान करने वाले व्यक्तियों का है और कानून के तहत राज्य सरकारें इसे नहीं ले सकती। ये पैसा सिर्फ लाभार्थी कर्मचारियों के पास ही जाएगा, न कि किसी एक प्राधिकरण या इकाई के पास। ऐसे में अब जिन राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो रही है उनको अपने बजट में ही राशि के लिए व्यवस्था करनी होगी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना को लेकर आमने सामने है। ओपीएस को लेकर 5 फरवरी को महाकुंभ करने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार आने पर ओपीएस लागू करने की बात कही है। इससे प्रदेश की बीजेपी सरकार पर दबाव बढ़ा है, लेकिन केंद्र सरकार के पेंशन को लेकर ओपीएस लागू करने वाली राज्य सरकारें खफा है। दरअसल ओपीएस लागू करने वाली राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस में जमा अंशदान मांग रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए में जमा राशि वापस करने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार का तर्क है कि एनपीएस में जमा पैसा इसमें योगदान करने वाले व्यक्तियों का है, कानून के तहत राज्य सरकारें इसे नहीं ले सकती। ये पैसा सिर्फ लाभार्थी कर्मचारियों के पास जाएगा, ना कि किसी एक प्राधिकरण या इकाई के पास। ऐसे में अब जिन राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो रही है उनको अपने बजट में ही राशि के लिए व्यवस्था करनी होगी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना को लेकर अब आमने सामने है। अभी हमारी सरकारें हैं, कांग्रेस पार्टी एक कमिटेड पार्टी है, हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो खुद कर्मचारी विरोधी है। इन्होंने जो पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों को मिलती थी जिंदगी भर की सरकार को सेवा देने के बाद, जो उनके बुढ़ापे का सहारा था वो छीना है। कांग्रेस ने कभी वादे वचन निभाए नहीं। कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में 15 माह बनी, इन्होंने कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी किया, ट्रांसफर का धंधा चालू किया, उनको लगातार प्रताड़ित करने का काम किया, सैकड़ों की तादाद में ट्रांसफर करने का काम किया, उगाही वसूली करने का काम किया। इसलिए ये कभी वादे वचन पर पक्के और सच्चे नहीं है।